Hello students, welcome to getlectures.com. I am Puspanjay Kasyap, lecturer of Mechanical Engineering. In this lecture of Fluid Mechanics, I am going to proceed the some part of the surface tension. Okay, some analysis of surface tension like the pressure inside the liquid drop, the pressure inside the soap bubble and the pressure inside the liquid jet. Okay, now I am going to start the analysis and the derivation. The concept of the surface tension, जो कि previous lecture में आप लोगों ने surface tension के concept को read out किया, अब यहाँ पर उसके numerical values को numerically उसे हम prove करते हैं और physically feel करने का प्रयास करते हैं. Okay, now I am going to take a bulk of liquid. जैसे simple सा बात है, एक bulk of liquid लेते हैं किसी भी spherical liquid shape से. एक हमने बल्क को कट कर लिया, ठीक है, स्फेरिकल आप मान लो या कोई भी शेप है, वहां से बल्क ऑफ लिक्विड हम कंसीडर करते हैं. द शेप इज लाइक this is a bulk of liquid. Now we take this is bulk of liquid. Now we consider this is this radius is R2. This radius is R2. From this this point is O. ठीक है, इस पॉइंट से हम देख रहे हैं दिस पॉइंट इज ओ, दिस रेडियस इज आर टू एंड दिस रेडियस इज आर वन. आर वन एंड अगर आप देखो तो ये बल्क ऑफ जो लिक्विड है, दिस इज अ बल्क ऑफ लिक्विड. अगर आप यहां से भी देखना चाहो तो उधर से भी एक डॉटेड लाइन आप ले सकते हैं. तो इस बल्क ऑफ लिक्विड पर इधर से कैसा प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, आउटसाइड दिस सरफेस, इस सरफेस के बाहर कैसा प्रेशर होगा, दिस इज एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्ट इन वर्टिकल डायरेक्शन, दिस इज पी नॉट, इसे मैं ले सकता हूं, दिस इज द एक्सटर्नल प्रेशर, आउटर प्रेशर. ओके, और एक इंटरनल प्रेशर भी इसमें एक्ट कर रहा होगा, दिस इज इंटरनल. इंटरनल प्रेशर की अगर आप बात करो तो ये इंटरनल प्रेशर कितना होगा, दिस इज पी आई, इंटरनल प्रेशर अंदर का जो प्रेशर है, एंड दिस इज पी नॉट इज द एक्सटर्नल प्रेशर. अगर पी नॉट को थोड़ा सा इधर बनाते हैं, पी नॉट को P naught is act like P naught is this is P naught. Okay, outer pressure and inside pressure. This is the surface. This is the surface of the liquid. This. अगर आप इसका नेमिंग कर दो, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी. तो ए बी सी डी इज द सरफेस ऑफ द लिक्विड, इंटरफेस ऑफ द इंटरफेस बिटवीन लिक्विड एंड गैस. तो आपने जब कट किया है तो दिस सरफेस इज अंडर टेंशन, दिस सरफेस इज अंडर टेंशन, और जो वो टेंशन होगी तो वो सरफेस टेंशन जो होगी, आपने कट किया है तो यहां से अगर आप देखो तो वो ऑलवेज सरफेस लाइन फोर्स होती है. Surface tension is a line force and always act in the plane of cross section, in the plane of surface. Okay, तो अगर आप यहां से देखना चाहो तो ये आप कर सकते हो. इधर से अगर आप देखो, मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया है, ये कटिंग फेस से ये क्या आ रहा है, दिस इज वॉट. हाँ, एक चीज और, यहां पर आप क्या ले सकते हो, दिस इज डी थीटा वन and this angle is d theta 2, this angle is d theta 2. Complete analysis देखते हैं, simple. यहाँ पर surface tension force act कर रही होगी, यहाँ पर भी surface tension force act कर रही होगी, उसकी value कितनी होगी, अगर आप उनकी values की बात करते हो तो this line, इस line का ये force है. अगर आपने surface tension में देखा, surface tension is the line force. अगर आप जिस भी surface पर एक line draw करते हो, उसके plane में एक line draw आपने किया, उस
ड्रॉ लाइन पर वो परपेंडिकुलर एक्ट करता है, तो ये जो लाइन है ये सरफेस पर अपने लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये फोर्स एक्ट कर रही है, एंड सरफेस टेंशन इज सिग्मा, सरफेस टेंशन फोर्स एफ, एफ इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा इनटू दिस लाइन, बिकॉज सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई एल, ठीक है, देन एफ इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एल, एल इज द लेंथ ऑफ द लाइन, दिस इज ए डी, ए डी इज द लाइन, द वैल्यू ऑफ ए डी इज व्हाट, आर टू डी थीटा टू, एंड दिस इज एक्ट हाउ मच, सिग्मा आर टू, सिग्मा आर टू डी थीटा टू. अब सेम ये भी पोर्शन तो कटिंग कट हुआ है, दिस पोर्शन इज ऑलवेज कट, तो ये भी तो अंडर टेंशन होगा, दिस पोर्शन इज ऑल्सो अंडर टेंशन, तो यहां पर अगर आप देखते हो तो इस पोर्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये पोर्शन परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा होगा, दिस इज हाउ मच, अगर इसकी बात करते हैं तो ये कितना होगा सिग्मा, बिकॉज सरफेस टेंशन तो एक सरफेस का कांस्टेंट होगा, ओके, तो दिस इज सिग्मा एंड दिस लेंथ, दिस द वैल्यू ऑफ दिस लेंथ इज हाउ मच, आर वन डी थीटा वन, सिग्मा आर वन डी थीटा वन, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये कितना है सिग्मा आर टू डी थीटा टू, एंड दिस इज सिग्मा, सिग्मा आर वन डी थीटा वन, इज इट ओके. आप देखो इंटरनल प्रेशर इज पी आई, एक्स्ट्रा आउटर प्रेशर इज पी नॉट, एंड दिस आर द सरफेस टेंशन फोर्स. अब इसको अगर आप देखो, दिस इज द बल्क ऑफ लिक्विड, अब इसको हम एनालाइज करते हैं, फोर्सेस को इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे, देन आफ्टर उसका एनालिसिस कंप्लीट करते हैं, ठीक है. तो इसके अगर डायग्राम की हम बात करते हैं तो एक चीज यहां पर हम इस तरह से कर सकते हैं, दोनों सर्फेसेस को आर वन और आर टू, दोनों रेडियस की बात जब हम करते हैं तो हम सिंपल अगर उसके व्यूज को देखें, फ्रंट व्यू को अगर हम देखना चाहें तो क्या हो रहा होगा, यहां से अगर आप देखो तो दिस लाइन इज ऑल्सो, दिस इज लुक लाइक अ कर्व, एंड दिस इज अ डॉटेड लाइन हेयर, एंड दिस इज ऑल्सो डॉटेड लाइन हेयर, this is not clearly okay, then this line is meeting here and this is also meet at here, okay, yahan par kitna lag raha hai, agar aap dekho to main is surface ki baat kar raha hu, ye maine banaya hai, to is surface par aapka kitna force aa raha hai, simple si baat hai, agar aap dekho to this angle is how much d theta 2, ye angle kitna tha d theta 2, aap simple yahan par dekh sakte hain, ये AD, AD सरफेस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो दिस इज डी थीटा टू, यहां पर अगर आप देख लो दिस इज A एंड दिस इज D, तो इस साइड में कौन सा फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, और इस साइड में कितना लग रहा है, दिस इज हाउ मच, अगर आप यहां पर देखो तो इस कर्व पे ये फोर्स दिख रहा है सिग्मा आर वन डी थीटा वन, ओके, दिस इज सिग्मा आर वन डी थीटा वन, एंड दिस इज डी थीटा टू, दिस होल एंगल इज डी थीटा टू, दैट्स व्हाई दिस इज हाफ एंड दिस इज आल्सो हाफ, एंड दिस एंगल अगर आप यहां पर बात करते हैं तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, अगर ये डी थीटा टू बाई टू है तो वॉट इज दिस, दिस इज 90 माइनस डी थीटा टू बाई टू, ओके, एंड दिस इज डी थीटा बाई डी थीटा टू here and here, this angle not this, mathematically this angle is d theta 2 by 2, okay, and this theta is also d theta 2 upon 2, okay. Now second phase ki bhi baat karte hain, सेकेंड फेस की बात करते हैं, जो सेकेंड फेस यहां पर अपना डीसी है, डीसी फेस की एनालिसिस जस्ट इसी तरह से करते हैं, तो डीसी फेस की एनालिसिस करने के लिए आपने लिया दिस इज सेम कंसेप्ट, ओके, यहां पर
एक वो डीसी डीसी फेस हमने कंसीडर कर लिया. ओके दिस इज डी एंड दिस इज सी. डीसी फेस फ्रॉम हियर इसको खींच के लाते हैं इधर. ओके एक्सट्रापोलेट सॉरी दिस इज ओके दिस एंगल इज हाउ मच. दिस एंगल इज डी थीटा वन. ओके दिस इज हाफ दिस इज हाफ. अब इस पर अगर फोर्सेस की बात हम करते हैं इस पर फोर्सेस कैसे लग रहे होंगे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू डायग्राम. डायग्राम में अगर आते हैं तो इस फेस पर कौन से फोर्स दिख रहे हैं सिग्मा आर टू डी थीटा टू. ठीक है सिग्मा आर टू डी थीटा टू एंड दिस इज ऑल्सो सिग्मा आर टू डी थीटा टू एंड दिस एंगल इज हाउ मच. दिस एंगल इज डी थीटा वन बाई टू एंड दिस इज ऑल्सो डी थीटा वन बाई टू. देर आर टू कंपोनेंट्स वन इज हॉरिजॉन्टल एंड वन इज वर्टिकल. दोनों में अगर आप कंसिडर करो तो देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं दोनों कंडीशन में तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. फिर अगर आप यहां पर इस बल्क की बात करते हैं बल्क ऑफ लिक्विड की बात करते हैं तो इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर के कारण भी फोर्स एक्ट कर रहा होगा. ओके तो नाउ अब हम क्या करेंगे इसमें अगर मैं इक्विलिब्रियम के कंडीशन की बात करूं ओनली फॉर वर्टिकल फोर्सेज हॉरिजॉन्टल फोर्सेज आर इक्विलिब्रियम. तो वर्टिकल फोर्सेज की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें वर्टिकल फोर्सेज के कौन कौन से होंगे टोटल साइन थीटा का कंपोनेंट होगा. अगर आप यहां पर देखते हो तो वर्टिकल फोर्सेस इसका डाउनवर्ड. ओके इसका भी डाउनवर्ड तो इसमें क्या लिख सकते हैं टू टू सिग्मा आर वन डी थीटा वन साइन ऑफ डी थीटा वन अपन डी थीटा टू अपन टू. दिस इज प्लस सेम टू सिग्मा आर टू डी थीटा टू इंटू साइन इंटू डी थीटा वन ओवर टू. दिस इज डी थीटा वन ओवर टू. देन अगर आप देखो तो इन दोनों का डाउनवर्ड डायरेक्शन है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका क्या लग रहा है पी नॉट और एरिया कितना है. दिस इज आर टू डी थीटा टू एंड दिस इज आर वन डी थीटा वन. तो अगर आप देखो तो प्लस पी नॉट आर टू डी थीटा टू एंड आर वन डी थीटा वन माइनस माइनस पी आई आर टू डी थीटा टू आर वन डी थीटा वन इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं सिंपल. अब इसकी एनालिसिस देखते हैं एंगल इज वेरी 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 स्मॉल जब डी थीटा वन एंड डी थीटा टू इज वेरी स्मॉल और यहां पर उसका हाफ है तो साइन डी थीटा टू एंड साइन डी थीटा वन इज इक्वल टू साइन साइन डी थीटा वन ओवर टू इज approximately equal to d theta 1 over 2 and sin d theta 2 over 2 is approximately equal to d theta over d theta 1. This is d theta 1 over d theta 2 over 2. Okay, so according to equation, अगर आप यहाँ पर देखते हैं 2 sigma r1 d theta 1 d theta sin यहां पर डी थीटा टू 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 कैंसिल हो जाएगा यहां से कितना बनेगा अगर आप यहां पर देखते हैं तो क्या होगा टू सिग्मा आर वन डी थीटा टू अपन टू प्लस टू सिग्मा आर टू इंटू डी थीटा वन ओवर टू प्लस पी नॉट R1 R2 d theta 1 into d theta 2 is equal to pi R1 R2 d theta 1 d theta 2. This 2 cancel out. Okay. Then d theta 1 d theta 2 overall cancel out. यहां से कितना बचा sigma R1 plus sigma R2 plus p naught R1 R2 is equal to pi R1 R2. Now here the pressure difference pi minus p naught हम निकालते हैं pi minus p naught. pi minus p naught इसको इधर ले गए R1 R2
क्या ले लिया, आर वन इंटू आर टू इज इक्वल टू सिग्मा आर वन प्लस सिग्मा आर टू. मैथमेटिकली पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू सिग्मा इज कॉमन हेयर द वन अपर आर टू प्लस वन ओवर आर वन. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इधर हम लिख सकते हैं दिस इज द प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी इज इक्वल टू सिग्मा वन अपन आर आर टू प्लस वन अपन आर वन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर सरफेस टेंशन. अब इस रिलेशन को जब हमने डिफाइन कर लिया तो सिंपली हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी रिलेशन को प्रेशर इनसाइड द प्रेशर डिफरेंस इनसाइड द सोप इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप द प्रेशर डिफरेंस इनसाइड द सोप बबल एंड द प्रेशर डिफरेंस इनसाइड द लिक्विड जेट. तो देखते हैं अगर यहां पर एक स्पेशल केस की भी जिक्र कर लेते हैं. इज इट क्लियर, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. अगर आप इस फॉर्मूले को इस चीज को अगर आप समझ गए तो फिर तीनों चीजें समझने में मुश्किल नहीं होगी, बहुत ही सिंपल होता है. ठीक है, अगर स्पेशल केस की बात करते हैं, स्पेशल केस, ठीक है, अगर आप सपोज कर लो कोई भी सरफेस है, यहां पर एक सरफेस हमने माना स्पेशल केस में दिस इज अ लिक्विड सरफेस. ओके, इसके इस साइड भी एयर और इस साइड भी एयर, सिंपल, दिस इज वेरी, इधर भी अगर एयर है और इधर भी एयर है तो एयर और लिक्विड, ये लिक्विड का सरफेस है तो लिक्विड और एयर के बीच में एक सरफेस टेंशन इधर भी एक्ट हो रही होगी, सरफेस एक मेम्ब्रेन एक इस साइड भी बन रहा होगा बिकॉज हेयर ऑल्सो द एयर एंड लिक्विड इंटरफेस एंड हेयर ऑल्सो एयर लिक्विड इंटरफेस. जब इसको आप कट करोगे तो सरफेस टेंशन कितने आएंगे, एक और दो, टोटल कितने आ जाएंगे. जैसे आपने लास्ट डायग्राम में देखा कि क्या है, हमने केवल बल्क ऑफ लिक्विड लिया है, बल्क ऑफ लिक्विड लिया, अंदर भी लिक्विड है, ठीक है, दिस इज अ बल्क ऑफ लिक्विड, अंदर भी लिक्विड है तो केवल एक ऊपर ही इंटरफेस क्रिएट हो रही है, तो ऊपर इंटरफेस क्रिएट होने के कारण एक ही सरफेस टेंशन फोर्स आपको दिख रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में अगर देखो जिस लेंथ पर देखो एक ही सरफेस टेंशन फोर्स दिख रहा है. तो सरफेस टेंशन फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट एट द इंटरफेस ऑफ लिक्विड एंड एयर. तो अगर आप यहां पर देखते हैं कि अगर कोई भी हमने लिक्विड का एक सरफेस लिया, इस साइड भी एयर और इस साइड भी एयर, तो इसमें क्या होगा, दिस इज, अगर इसको मैं मान लेता हूं दिस इज थिन फिल्म ऑफ लिक्विड, थिन फिल्म ऑफ लिक्विड, और इसके दोनों साइड में एयर और गैस है दोनों साइड में, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, दो, यहां पर अगर आप उसको कट करके लेके आते हो तो दो सरफेस टेंशन फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में दिखेंगी, जो कि यहां पर केवल सिंगल दिख रहा था. तो अगर नीचे भी, अगर अंदर के भी साइड में अगर एयर होता तो एक इंटरफेस क्रिएट होती, उसे कट करते तो दो सरफेस टेंशन फोर्सेस आपको डायरेक्टली परपेंडिकुलर दिखती. तो इस स्पेशल केस में आपका क्या हो जाता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू टू सिग्मा, दो होते हैं डायरेक्ट टू कर दिया, वन अपन आर टू प्लस वन अपन आर वन, वन अपन आर टू प्लस वन अपन आर वन. क्लियर, दिस इज द स्पेशल केस. ओके, नाउ वी विल मूव दिस फॉर्मूला, इज दिस इज द बेसिक फॉर्मूला एंड दिस इज ऑल्सो दिस इज अ स्पेशल केस जो कि हम लोग बबल में देखेंगे. ओके, नाउ द एस्फेरिकल ड्रॉप, द टॉपिक इज द प्रेशर इनसाइड द एस्फेरिकल ड्रॉप. एस्फेरिकल ड्रॉप, स्फेरिकल ड्रॉप की बात करते हैं तो स्फेरिकल ड्रॉप क्या होता है, कंप्लीट वो आपकी क्या होगी, लिक्विड होगी, दिस इज लिक्विड, अंदर लिक्विड और इस पर जो एक्सटर्नल प्रेशर जो एक्ट कर रही होगी दिस इज पी नॉट. मैं आउटर प्रेशर की बात कर रहा हूं, दिस इज पी नॉट एंड इंटरनल प्रेशर इज पी आई, इंटरनल प्रेशर, दिस इज द इंटरनल प्रेशर एक्ट लाइक दिस. ओके, एंड दिस इज पी आई. तो अगर इसमें अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू वॉट. सबसे पहली बात ये क्या है, एस्फेरिकल ड्रॉप की बात कर रहे हैं तो एस्फेरिकल ड्रॉप में रेडियस क्या होंगी, फॉर एस्फेरिकल ड्रॉप, फॉर एस्फेरिकल ड्रॉप क्या होता है, स्फीयर का रेडियस अगर किसी भी पॉइंट से आप देखते हैं तो दोनों साइड से दोनों क्रॉस सेक्शन, अगर इसमें से अगर एक आप बल्क ऑफ लिक्विड लेके आते हैं तो आर वन इज इक्वल टू आर टू, तो सिंपल सी बात है आर वन इज इक्वल टू आर टू, देन डेल्टा पी
delta P, it means Pi minus P naught. The formula is sigma 1 upon R2 plus 1 upon R1. Ye tha. So R1 is equal to R2, then delta P is equal to sigma into 1 upon R plus 1 upon R. This is 2 upon R. R1 is equal to R2 is equal to R maan liya. Okay, then delta P is equal to 2 sigma upon R. This is, aap log ye pura padhte ho, different conditions se aap log padhte ho, classes mein, books mein, ki aap kya karte ho ki internal forces aur external forces, the pressure force ke karan aur surface tension ke karan jo forces hoti hain, unko equate karte ho, equilibrium ke condition mein laate ho, to yahi condition aati hai, 2 sigma upon R. Next condition is soap bubble. Spherical liquid bubble की बात करते हैं. Soap bubble या spherical liquid. Spherical liquid. Liquid bubble. Spherical liquid bubble की जब हम बात करते हैं तो simple सी बात है. इसमें क्या होता है? Bubble है. तो inside the bubble भी gas होगा और outside भी bubble में क्या होगा? Gas होगा. तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये bubble है. मान लिया this is bubble. बबल में अंदर क्या है? अंदर भी एयर है और बाहर भी क्या है? एयर है. तो यहां पर दो-दो सरफेस टेंशन फोर्सेस हो रही हैं. अंदर भी एयर और बाहर भी है. तो अगर आप विजुलाइज कर पा रहे हो तो जब आप इसको इस कंडीशन की जब मैंने बात की थी स्पेशल केस, तो ये थिन फिल्म लिक्विड बन रही है. तो बबल में भी थिन फिल्म लिक्विड बन रही है. आउटसाइड द बबल एयर एंड इनसाइड द बबल आल्सो एयर. देयर आर टू सरफेसेस, टू टेंशन, टू सरफेस टेंशन फोर्सेस एग्जिस्ट देयर. दैट्स व्हाई द डेल्टा पी इज इक्वल टू 2 सिग्मा. ओके, तो अगर यहां पर देखो तो दोनों साइड में एयर एयर है. दिस इज द स्पेशल केस, कंडीशन ऑफ स्पेशल केस. तो स्फेरिकल है. फॉर स्फेरिकल r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r मान सकते हैं. सिंपल स्पेशल केस में इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है? p i माइनस p नॉट इज इक्वल टू व्हाट? तो निकालते हैं p i माइनस p आउटर इज इक्वल टू डेल्टा p इज इक्वल टू 2 सिग्मा. स्पेशल केस, टू फोर्सेस लग रही हैं, 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R1. दिस इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपन R. दिस इज डेल्टा P इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपन R. दिस इज द स्पेशल कंडीशन ऑफ स्पेशल केसेस. ओके, इज इट क्लियर? एयर इनसाइड है, आउटसाइड भी है, तो दो सरफेस टेंशन फोर्सेस एक्ट करेंगी, एग्जिस्ट होंगी. ओके, नाउ द लास्ट कंडीशन इज व्हाट? As the liquid jet. अगर मैं liquid jet की बात करता हूँ, liquid jet की, cylindrical liquid jet, तो अगर आप suppose करो, this is a, अगर jet आपकी flow कर रही है इस तरह से, simple, ध्यान से देखते जाना है, ये flow कर रहा है, इसका cross sectional view कैसा होगा? एक circle होगा, cross sectional view is a circle, तो इसका radius कितना होगा? R. एक साइड से अगर आप देखते हो और फ्रंट से कितना होगा, इसके अंदर कितना प्रेशर होगा pi, आउटसाइड में कितना होगा p नॉट. उसके बाद अगर आप देखते हो यहां पर, जैसे कि इस डायग्राम को हमने एनालाइज किया था, इस डायग्राम में इस फ्रंट से, इस व्यू से देख रहे थे, तो दिस इज r2 रेडियस. अब उसमें अगर फ्रंट व्यू से आप देख रहे हो, इधर से अगर आप देखोगे फ्रंट व्यू से, तो यहां पर अगर मैं मान लूं कि r1 is equal to r, then r2 is equal to, r2 is equal to infinity. Is it clear? Because radius नहीं है, वो तो straight line है, और straight line का radius कितना होता है? Infinity. Now, तो इसमें क्या होगा? Pi minus P naught is equal to what? Pi minus P naught is equal to what? तो इस condition की अगर हम बात करते हैं, तो Pi minus P naught, this is not the condition of special case, this is equal to sigma 1 upon R2 plus 1 upon R1. Simple. Here, this is delta P. Delta P is equal to sigma into R2 is infinity, 1 by infinity plus 1 by R. Likh sakte hai, simple. This is equal to delta P is equal to 1 by infinity. Ye kitna ho jayega? 0. This is sigma upon R. Sigma upon R. Is it clear? This is sigma upon R. To hum logo ne teen cheeze dekhi. लिक्विड ड्रॉप में, लिक्विड ड्रॉप में प्रेशर का कितना था? डेल्टा पी इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपन आर. फिर बबल्स में देखा 4 सिग्मा अपन आर, और लिक्विड जेट में कितना है? सिग्मा अपन आर. तो क्वेश्चंस आते हैं, एक नोट लिखते हैं, सिंपल जिस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नोट. रेशियो ऑफ द
pressure difference of liquid drop, liquid bubble, spherical liquid bubble, and second third one is liquid jet. तीनों के ratios पूछे जाते हैं. मतलब कि अगर आप देखो तो यहाँ पर बबल, यहाँ पर सिंपल ऐसे देखते हैं नोट में, इस तरह से आप किस किसी भी वे में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर आपको मैं बोलूँ लिक्विड लिक्विड ड्रॉप रेशियो बबल, बबल रेशियो जेट इज इक्वल टू हाउ मच. अगर आप देखो तो लिक्विड ड्रॉप का कितना आया था, 2 सिग्मा अपन आर रेशियो 4 सिग्मा अपन आर रेशियो सिग्मा अपन आर. दिस इज इक्वल टू 2 रेशियो 4 रेशियो 1. ओके, 2 रेशियो 4 रेशियो 1. और अगर D के फॉर्म में लिखना हुआ तो 2 नॉट 2, R इज D बाई 2. दैट्स वाई दिस इज 4 सिग्मा अपन D रेशियो 8 सिग्मा अपन D रेशियो 2 सिग्मा अपन D. दिस इज इक्वल टू 4 रेशियो 8 रेशियो 2 इज इक्वल टू 2 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो 1. द प्रेशर डिफरेंस, द रेशियो ऑफ द प्रेशर डिफरेंस फॉर लिक्विड ड्रॉप बबल एंड जेट इज इक्वल टू द 2 रेशियो 4 रेशियो. Okay, this is the complete analysis of surface tension. Okay, thanks.